वेलकम टू स्पोर्ट्स य और अभी अभी एक खबर आई और खबर ऐसी है कि हालांकि इंडियन क्रिकेट से नहीं जुड़ी हुई लेकिन फैंस में बढ़ा जो है इसकी चर्चा चल रही है और सब लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं आप लोग एजाज पटेल की तस्वीर ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे जहां पर वो रिकॉर्ड दस विकटें जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अचीव करी तो उसके बाद वो वहां पर एक तरीके से एक्नोलेज करते हुए क्राउड को जा रहे हैं वापस ड्रेसिंग रूम में लेकिन उन्हीं एजाज पटेल को न्यूजीलैंड ने जो उनका अगला असाइनमेंट है यानी कि जो पिछला टेस्ट मैच खेला है एजाज ने वहां पर उन्होंने रिकॉर्ड दस विकटें नहीं एक पारी में मैच में चौदह विकेटें ली लेकिन अब वो न्यूजीलैंड की जो अगली टेस्ट सीरीज है उसका हिस्सा नहीं है ट्वीट आपको दिखाते हैं ब्लैक कैप्स का जो आया है काफी हैरान करने वाला है क्योंकि आपने कम ही देखा होगा कि इस तरीके की परफॉर्मेंसेस के बाद कोई खिलाड़ी ड्रॉप कर दिया गया हो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कैप्स के हवाले से ट्वीट है जहां पर उनका टेस्ट ट्वेस, स्क्वाड है केन विलियमसन नहीं है जो लंबे वक्त से उनकी एल्बो की इंजरी है दिक्कत दे रही है उन्हें तो उन्होंने आराम दिया गया है न्यू ईयर अगला साल जो है उनके दो टेस्ट मैच की सीरीज है बांग्लादेश से एक तारीख से पहला टेस्ट मैच है तो टॉम लेथम कप्तान है टॉम ब्लेंडर ट्रेंट बोल्ट की वापसी हो चुकी है डेवन कॉनवे अगेन ये भी वापस आ रहे हैं चोट के बाद जो इनको टी वर्ल्ड कप में लगी थी मैट हेनरी काइल जेमिसन डेरिल मिचल हेनरी निकल्स रचिन रविंद्रा टिम साउदी रॉस टेलर नील वैगनर और विल यंग तो ये है थर्टीन मैन स्क्वाड अब कोच ने इन डिटेल में क्या कहा एजाज पटेल के बारे में क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस और जब आप बाहर कर देते हो ऐसे खिलाड़ी को तो आपको कुछ ना कुछ उस पर भी बताना पड़ता है तो वो भी आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं कि कोच ने उनके दरअसल इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कहा क्या तो आप देख सकते हैं उनकी स्टेटमेंट और गैरिस्टेट जो कोच है न्यूजीलैंड के उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कहा कि भाई बहुत ज्यादा एक ऐसा फैसला है और आप यू डू फील फॉर अजाज़ आफ्टर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्प्ले इन इंडिया हाईवर वी हैव ऑलवेज अप्लाइड आ

आप कहते हैं क्रिकेट इतिहास में चीज ही सिर्फ तीन बार हुई है जिम लेकर अनिल कुंबले और फिर अजाज पटेल अगेंस्ट इंडिया एट वानखेड़े दस विकेटें पूरी पारी में जाना फिर उसके बाद आपको पता चल रहा है आप अगला मैच अगला मैच खेलना ना खेलना तो छोड़िए आप स्क्वाड में ही नहीं है तो इस तरीके के कुछ किस्से अगर आपको याद आते तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो आपने ऐसा कुछ देखा हो कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जैसे पढ़ा तो वहां से एक याद आता है भुवनेश्वर कुमार को जब आपको याद होगा जब पिछली बारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई थी क्योंकि अभी भी साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम है तो टाउन में भुवी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी लेकिन अगले मैच में भारतीय टीम से भी ऐसा बयान आया कि भाई ईशान शर्मा खेलेंगे बिकॉज हम जो है हम भी हॉर्सेज फॉर कोर्सेज वाली जो है जो पॉलिसी की बात करें उसके तहत हम उनको ले रहे हैं करुण नायर एक ऐसी परफॉर्मेंस जैसे ट्रिपल हंड्रेड भाई इंडियन क्रिकेट में भी कितनी लगी है लेकिन करुण नायर भी तीन लगाने के अगले मैच में जगह नहीं बना पाए थे ऐसी कुछ और अगर आपको याद आ रही हो कोई कोई खिलाड़ी जो इस तरीके के परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप हो गए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें आप स्पोर्ट्स को और जल्द से जल्द हमें भी फोर के करवाएं और सब्सक्राइब करें हमें भी सिनेमा यारी को भी वो भी हंड्रेड के करीब हैं तो दोनों जगह अपना प्यार बनाए रखें बहुत बहुत शुक्रिया